नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं, काफ़ी भव्य और खूबसूरत होने वाला है। तो राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, तो उस परिसर में जो मूर्तियां लगाई जाएंगी, पूरा रामायण काल से पूरी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। तो आज हम वहाँ पर आ चुके हैं राम के कथन पास में, और जहाँ पर मूर्ति रखी आप लोग को बनकर तैयार की गई है, दिखाई जाएगी आप लोगों को। तो चलिए आरम्भ करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा रामायण काल से जो जुड़ा हुआ पूरा चित्रण किया गया है, और इस मूर्ति के माध्यम से आप लोग को राम मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। बोर्ड लगा है राम कथा कुंज, श्री राम मंदिर हेतु ये जो राम मंदिर निर्माण होगा और उसमें ये सब लगाया जाएगा। और देखिए किस तरह से ये है, कपूर कृष्ण बलि जी की लगाया गया है मूर्ति, और ये बनाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए ऋषि जी का बनाया गया है, ऋषि मुनि है। और अगर चलते आप लोग को दिखाते हैं, पूरे परिसर में इसी तरीके से मूर्ति बनाई गई है, और ये मूर्तियाँ राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी के परिसर में सब लगाई जाएगी, इसीलिए सब बनाया गया है। और देखिए यहाँ पूरा रामायण आपको दर्शाया गया है, जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया था वो दर्शाया गया है यहाँ पर। यही शुरुआत करते हैं, पूरा परिसर आप लोग को दिखाते हैं कि राजा दशरथ जी हैं और उन्होंने यज्ञ किया था, और ये उनका जब फिर राम जी का जन्म हुआ था वो भी आप लोग को दिखाएंगे। कुछ इस तरह से है ये कथा कुंज में, और ये पूरी चीज़ आप लोगों को जब राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो जाएगा उसमें सब लगाया जाएगा। और देखिए वहाँ पर यज्ञ किए और इसके बाद ये राम जी का जन्म हो गया है। और देखिए यहाँ पर ये चारों भाई हैं और ये तीनों माताएं हैं, तीनों माताएं दर्शाई गई हैं। और ये देखिए दशरथ जी हैं इधर, और यही है राम जी, दशरथ जी हैं राम जी को, और ये है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। और आगे चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं, और देखिए ये पालना में झूल रहे हैं राम जी, और कितने सुंदर तरीके से ये देखिए पालना में झूल रहे हैं प्रभु श्री राम। और ये हैं तीनों माताएं, और इस तरफ में ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और जो इस मूर्ति की खासियत है ना, ये मूर्ति के ऐसे सीमेंट से बनाया गया है, बनाया तो सीमेंट से गया है लेकिन इनकी लाइफ है बहुत ही लंबी लाइफ है। और ये कुछ अलग जो इसमें सीमेंट इस्तेमाल किया गया, बहुत ही अलग किस्म का सीमेंट इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए किस तरह से दर्शाया गया है पूरा, तो आप लोग को इसमें पूरी रामायण देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और जब वो लोग धनुष विद्या सीखते हैं, और देखिए ये गुरु जी हैं उनके, और ये धनुष विद्या सिखा रहे हैं, और इस तीर बाण से देखिए ये लोग पूरा तीर बाण से और इसका वध कर रहे हैं। देखिए ये ताड़का का वध कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं। बाल स्वरूप का है ये, देखिए बाल स्वरूप दिखाया गया है ये पूरा। और यहाँ पर ये देखिए भी वही चीज़ें दर्शाए गए यहाँ पर भी। और देखिए ये ऋषि मुनि यज्ञ, देखिए यज्ञशाला बनाई गई है कितने खूबसूरत तरीके से, और जब कलर हो जाएंगे ना एकदम भव्य लगेगा बहुत ही अच्छे से। और देखिए यहाँ पर इस राक्षस को भी राम और लक्ष्मण जी उसका भी संहार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए दर्शाया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर बनकर तैयार नहीं गया है, तो इसको जो राम मंदिर कार्यशाला है राम तकुम उसी में रखा गया है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों की ये दर्शाया गया है, यहाँ पर ये जनक जी हैं, और जब ये सीता जी को जमीन से उनका जन्म होता है, और ये हल दिखाया गया है, उसके बैल कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, पूरा बनाया गया है। और ये देखिए जनक जी हैं, जब सीता माता को जन्म से भूमि से उनका जन्म होता है वो दर्शाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये
इस साइड में दर्शाया गया है। जब ये फूल तोड़ती हैं और राम जी आते हैं, मतलब कि जो फूल तोड़ते हुए दिखाया गया और जो सीता स्वयंवर में जाते हैं वो दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये सब पूरा राम मंदिर में लगेगा और जब राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो ये हर जगह लगेगा और आप लोग को देखने को मिलेगा ये। और देखिए ये सीता स्वयंवर का दर्शाया गया है यहाँ पर। ये राजा जनक जी बैठे हैं और ये है भैया रावण। 1 2 3 4 5 मतलब पूरा 10 सिर भी बना है इसका। और ये देखिए पूरा जो भी वीर लोग आए हुए हैं सीता स्वयंवर में वो दर्शाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे वही चीज़ दर्शाया गया है। और ये जी अपने गुरु जी के साथ जब पहुँचते हैं सीता स्वयंवर में राम जी, वो भी दर्शाया गया है यहाँ पर। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा अच्छे से बनाया गया है इसको। और इस मूर्ति की लाइफ काफ़ी लंबी समय हो तक होगी। दोस्तों इस मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है जब राजा दशरथ और कैकेयी जी मांगती हैं राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो दर्शाया गया है। और देखिए जब ये वो जब अपना जाते हैं मतलब कि रामचंद्र जी को वनवास के लिए, किस तरह कितना उदास दर्शाया गया है और कितनी ही प्रशंसा की जाए इस मूर्तिकार ने इसमें बनाया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया है। और ये राम जी हैं आज्ञा लेते हुए बन जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए अपनी माताओं से आज्ञा लेते हुए ये दर्शाया गया है जो बन जा रहे हैं वो दर्शाया गया है पूरा इस मूर्ति में। तीनों माताएँ हैं और राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता भी हैं इसमें। और यहाँ पर ये देखिए अपने गुरुजी से आज्ञा लेते हुए और ये वन जाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जब ये वन के लिए निकलते हैं और ये नाव बनी है और जब केवट जी उनका पैर धुलते हैं वो दर्शाया गया है। उसके बाद फिर इनको जो नदी है उसको पार कराते हैं। चलिए दूसरी साइड चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए भी। दोस्तों देखिए केवट जी राम जी को नदी पार करने के बाद किस तरह से लेके जाते हैं, जो वन जाते हैं वो पूरा दर्शाया गया है इसमें। और ये जो वन में उनकी मुलाकात होती है ऋषियों से वो दर्शाया गया है यहाँ पर। और देखिए बीच में सीता मैया हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। और ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है राम जी को, सीता माता को। और ये गुरु जी हैं वन का है ये सब। दोस्तों देखिए ये दर्शाया गया है जब दशरथ जी पुत्र वियोग में, मतलब राम जी जब चले जाते हैं वनवास को तो उनको पुत्र वियोग बहुत तगड़ा लगता है। और पर वो यहाँ किस तरह से देखिए अपना देवसान हो जाता है उनका। और पूरा ये तीनों रानियाँ बैठी हुई हैं और सब पूरी तरह से शोकाकुल हैं। और ये हैं भरत जी। भरत जी जब आते हैं और जब उनको जानकारी होती है, आप लोगों ने रामायण में देखा ही होगा पूरा दर्शाया गया है, उसी तरह से भी दर्शाया गया जब भरत जी आते हैं और ये मंथरा को, देखिए मंथरा को महते हैं, किसी कहने पर ऐसा सब हुआ था। और ये अपनी माता को भी गुस्सा होते हैं और फिर ये आते हैं यहाँ पर, चले आते हैं सीधा वन को और मिलते हैं प्रभु श्री राम से। और ये दर्शाया गया देखिए इनको पैर छूकर, कुछ इस तरह से पूरा दर्शाया गया है। मतलब पूरा रामायण आपको मंदिर में, जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगी तो पूरा रामायण आप लोग को देखने को मिलेगा और कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है पूरा। और ये भी देखिए वन में ऋषि मुनि जो लोग रहते हैं उनका है आशीर्वाद लेते हुए राम जी को दर्शाया गया है। और इस साइड भी पूरा एकदम अच्छे से बनाया गया है, यहाँ पूरा सन्यासी के रूप में है और राम जी को दर्शाया गया है। और देखिए इस तरह से भी पूरा रामायण आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और चलिए ये अंतिम रो है आप लोग को हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरा इस तरह से पूरा देखिए। और अभी कुछ काम बचा हुआ, देखिए यहाँ सब आधा काम हो चुका है सब पे।
और अभी ये सब आधा काम बचा हुआ है। और ये सब देखिए यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है इस मूर्ति को। और जब ये राम मंदिर बनकर तैयार होगा, इसमें लगेगा, तो एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से होगा। और देखिए पूरा सन्यासी का रूप धारण किए हुए सीता माँ और प्रभु राम लक्ष्मण जी सब लोग वन में बैठे हुए हैं, दर्शाया गया है। और यहाँ भी वही चीज़ें दर्शाया गया है। और ये इनके गुरु जी हैं ऋषि मुनि, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और ये देखिए जब माता सीता वन में रहती हैं और जो उनको दान मिलता है वो दर्शाया गया है यहाँ पर। और भैया ये देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी कितने खतरनाक तरीके से गुस्से में हैं। और शूर्पनखा का देखिए नाक पूरा दर्शाया गया है कटा हुआ, ये आप लोग देखिए किस तरह से दर्शाया गया ये। और ये है राम जी सीता जी। और ये जी है भैया जब मामा मारीच मृग बनकर आते हैं और वन में, और जब राम जी उनको मारते हैं, ये दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से पूरा मारीच का रूप दिया गया है, और ये बाण इनको लगा हुआ है, और ये राम जी हैं। और देखिए इस साइड अभी कुछ मूर्तियां निर्माण में चल रही हैं, और ये लगता है जब वन वास से लौटते हैं वो दर्शाया जाएगा इसमें। जब बन कर तैयार होगी तो लोग भी आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों ये आप लोग को हमने दिखाया रामकथा कुंज पार्क में किस तरह से जो राम मंदिर में लगने वाली मूर्तियों का निर्माण कार्य चल रहा है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे, जब इससे पूरा कलर हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और आप लोग को फिर दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा तैयार हो जाएगा। हमें उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, जो लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब करें। नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।